कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और जो भी वो रेवलेशंस करना चाहती हैं उसको फ्रीली। सभी जानते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। एक सक्षम पुलिस दल महाराष्ट्र का है। ऐसी हालात में कुछ लोग उनको मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ में जो सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है वो कोर्ट में गए और जो उन्होंने जो कदम उठाया है उनका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बॉम्बे शिवसेना रनौत के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है वो, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से बोलने से रोका जा रहा है। कंगना रनौत का कहना है कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है कुछ अभिनेता जो हैं वो ड्रग्स स्कैम्स के अंदर शामिल है और मैं उसका खुलासा करना चाहती हूँ, सरकार मुझे सुरक्षा दे। कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और जो भी वो रेवलेशंस करना चाहती हैं उसको फ्रीली। हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, उसको फ्रीली उनको व्यक्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कंगना के किसी भी ट्वीट में ऐसा नहीं लगा कि वो देशद्रोही हैं या किसी इंसान के अगेंस्ट उन्होंने थ्रेट किया है, और ऐसे में कोई भी कुछ भी कह सकता है। इससे यही नहीं, हम महिलाओं को जो कहते हैं ना मुंह बंद रखो, ये विचारधारा सामने आती है शिवसेना के नेताओं को कि महिलाओं को सह नहीं सकते वो अगर वो आज़ादी से बात कर रही हैं। तो मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ, ये सेलिब्रिटी हैं, ये किसी को भी अगर ये ऐसा थ्रेट आया होता तो NCW ऐसे ही एक्ट करता, और सेलिब्रिटी के लिए या अलग से कोई वो नहीं है कि राइट्स नहीं है, ये सबके राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। आपने एक महिला को थ्रेटन किया इसलिए NCW एक्ट करेगा।